ये अपने रिंग नेक्स के लिए मैं सेब लेके जा रहा हूँ। इस तरह के सेबों की कोशिश करें, आसानी से मिल जाते हैं आजकल, ये परिंदों को डालें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक होंगे। आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि अभी रह गए हैं कुछ महीने, क्योंकि हमारा जो बर्ड्स का ब्रीडिंग सीज़न है वो होने वाला है स्टार्ट। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा जिन पे आपने अमल करना है, ताकि आपका परिंदा ब्रीडिंग सीज़न के अंदर अच्छा परफॉर्म करे और आपके पास अच्छी ब्रीड भी दे सके। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम है चैनल पे और अभी तक नहीं किया चैनल का सब्सक्राइब, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दबा दें बेल आइकन को, ताकि मैं फ्यूचर में भी जो परिंदों से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले, और आप इस तरह की वीडियो चेक करें सबसे पहले। तो चलें जी वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और आज तकरीबन अगस्त की है छः है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर दूं आपके ब्रीडिंग सीजन से रिलेटेड। अगर आपने परिंदे रखे हुए हैं, अगर वो ब्रीडर हैं, उनका पेयर वगैरह नहीं बना, तो उस मतलब आपको कुछ मैं टिप्स दे दूं जो कि आपको काम आएगी, क्योंकि अभी अगस्त का महीना है, इसके बाद आएगा जी सितंबर का और उसके बाद आएगा अक्टूबर का, और अक्टूबर के अंदर हमारे बर्ड्स जो हैं उनका ब्रीडिंग सीजन ऑन होता है। छोटे परिंदे जो होते हैं जिनमें आ जाता है हमारा बजरी आ जाते हैं, ठीक है, लव बर्ड आ जाते हैं, इस तरह के छोटे मोटे जो बर्ड्स होते हैं ना, वो तकरीबन सीज़न ऑन होने से कोई 15-20 दिन पहले ही अपनी नेस्टिंग वगैरह सेट करने में लग जाते हैं, जबकि हमारा रिंगनेक है इसका सीज़न स्टार्ट होता है अक्टूबर से, ठीक है। अक्टूबर के अंदर एक पूरा मंथ होता है, ठीक है, तो उसके अंदर ये अगर तो इनका पेयर कह लें कि अंडरस्टैंडिंग है, तो तकरीबन 15-20 दिन लेते हैं उस जगह पे सेट होने को, या फिर उनका जो नेस्टिंग वगैरह उसको प्रिपेयर करने को। वैसे तो जो है रिंग नेक इसके अंदर इतनी ज़्यादा नेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती इनको, लेकिन फिर भी वो टाइम ले जाते हैं एडजस्ट होने में। तो तकरीबन ये आपके पास नवंबर के शुरू में या दिसंबर के हाफ में आपके पास ब्रीड आ जाती है, और ऑल द वे रहता है मई तक इसका सीज़न रहता है, अक्टूबर से स्टार्ट होता है और मई तक रहता है। अब मेरा यहाँ पे बात करने का मकसद क्या है, जो मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ वो ये हैं कि अभी अगस्त स्टार्ट हो चुका है, अभी आपने करना क्या कि अगर तो आपका पेयर बना हुआ है रिंगनेक का, तो अभी स्टार्ट हो गया अगस्त, ठीक है, उसके बाद आएगा सितंबर, फिर आएगा अक्टूबर, अभी 3 महीने पड़े हैं। तो आपने करना क्या कि अभी से अगर आपने पहले जो है उनको कोई चीज़ अच्छी ट्रीट नहीं की, कह लें कि फ्रूट वगैरह नहीं दिया या कुछ भी चीज़ें हैं, गर्मी का ख्याल नहीं रखा, तो आप अभी से करना स्टार्ट कर दें। अगर उनकी हेल्थ वगैरह में थोड़ा बहुत इशू है ना, तो वो अभी से सेट कर लें। अभी आपके पास तकरीबन 2 माह पड़े हैं, क्योंकि आपने अक्टूबर के स्टार्ट के अंदर जाके इनके जो है बॉक्सेस वगैरह लगाने शुरू करने हैं, तो उससे पहले जो है आप इनको डाइट दें अच्छी। अगर उनका पेयर बन गया है तो ज़बरदस्त है, उनको डाइट देना स्टार्ट कर दें, इस तरह की डाइट दें कि जब को इनका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो ना, तब तक ये बिल्कुल ज़बरदस्त और फिट हो जाएं, और जब आपके पास ब्रीड करें तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार ये इन्होंने कर क्या दिया है। सही है, अभी जैसे कि बताऊं अभी जो मौसम चल रहा है इसके अंदर, हाँ यहाँ पे मैं आपको अपने दिखाता हूँ सबसे पहले रिंगनेक्स। तो ये हमारे ये रिंगनेक हैं जिसके अंदर एक पेयर है, बाकी उसके बच्चे हैं, तो इनको मैंने सुबह डाला था फ्रूट, और ये माशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म कर दिया है इन्होंने, ये सामने इसके अंदर डाला था मैंने, वो देखो ख़त्म कर दिया, सारा खा पी गए हैं। यहाँ पे ये घर में बच्चों ने डाल दिया था इसको, हालांकि कॉकटेल जो है वो फ्रूट वगैरह नहीं खाता, ना फ्रूट खाता है और ना इस तरह की कोई चीज़, बस ये ज़्यादातर खाता है पालक खा लेता, धनिया खा लेता, पुदीना वगैरह, लेकिन ये फ्रूट के सोर्स में कोई चीज़ नहीं खाता। तो आप ऐसा करें कि अभी सीज़न चल रहा है सेब का, ठीक है, आप इसकी थोड़ी सी डाइट चेंज कर दें, फ्रूट देना स्टार्ट कर दें। आजकल सस्ते हैं ये जो हैं सेब हैं, तकरीबन 100 रुपये किलो मिल जाते हैं, इतने जो मिलते हैं ना छोटे छोटे, आपने वो लेने हैं, ज़्यादा पैसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 100-150 के भी ले आएंगे ना, तो आपके पास तकरीबन वीक या 2 वीक अच्छे खासे गुजर जाएंगे। अगर आपके पास एक पेयर है तो वो और काफ़ी दिन गुजर जाएंगे, अभी मेरे पास ज़्यादा है तो मैं आज ले के आया हूँ थोड़ा सा, लेकिन वो मेरे पास काफ़ी दिन रहेगा, ठीक ठाक 2-4 हफ्ते जो है ना वो निकल जाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। अगर मैंने ज़्यादा डाला तो फिर शायद जल्दी मैं लाऊं। बाकी ये है कि इनको फ्रूट में सेब दें, क्योंकि सेब का मौसम है, और पानी वाला सेब दें। सेब देंगे तो इसके साथ इसकी हेल्थ पे अफेक्ट होगा, ठीक है, अफेक्ट ये होगा कि
ये ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पे ये इन्होंने पूरी गर्मी सर्वाइव किया है ना, फिर जाके सीज़न स्टार्ट होगा तो वो आपके पास अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपका पेयर। आप इनको सेब डाल सकते हैं, अभी जैसे कि मौसम सेब का है, सेब डालें। वैसे भी कोई चीज़ अगर मिलती है, फ्रूट वगैरह, आम डाल दें, उसके बाद इनको धनिया पुदीना अपना पालक डाल दें, उसके बाद जो दालें होती हैं उनको भिगो के रखें वो डाल दें। हर वो चीज़ जो मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताई हुई है ना, हर वो चीज़ आप दें। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, अगर न्यू हैं तो आप सब्ज़ी हर तरह की दें, उसके अंदर आप कद्दू दे सकते हैं, ठीक है जी, टेंडे दे सकते हैं आप इनको, या बाकी जो चीज़ें होती हैं, लेसदार चीज़ ना हो बहुत ज़्यादा, या फिर कह लेंगे खट्टी चीज़ ना हो बहुत ज़्यादा, आप बाकी चीज़ें दे सकते हैं इनको, अब वो दें। आप इनको दाने पे रखें, ठीक है। दाना अभी ज़्यादा गर्म इस्तेमाल नहीं करवाना, क्योंकि अभी गर्मी है तो हमारे पास तकरीबन हैं जी 2 से 2.5 महीने हैं अभी, तो आपने अभी से दाना गर्म नहीं करना। अभी आप फ्रूट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, डेली बेसिस पे आप इनको फ्रूट्स डाला करें। अगर पेयर नहीं बना तो पेयरिंग कर लें अभी, क्योंकि जब सीज़न स्टार्ट हो जाता है ना, तब भी मुझसे आके लोग पूछते हैं कि यार हमारा पेयर नहीं बना हुआ, तो अब मैं क्या करूं जिससे पेयरिंग बने। तो अभी वो टाइम है कि आप अपने पेयर्स को सेट कर सकते हैं, मेल लें फीमेल लें, ठीक है जी। उनको एक केज में छोड़ें, देखें, उन पर नज़र रखें कि हाँ उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अगर तो अंडरस्टैंडिंग ठीक है उनकी, तो फिर तो ज़बरदस्त है, कोई ऐसी जगह ढूंढ ले जहाँ पे ज़्यादा किसी का आना जाना ना रहता हो। अभी यहाँ पे मैंने अपने बर्ड्स को रखा हुआ है ना, तो जैसे सीज़न स्टार्ट होगा ना, तो मैं इनको यहाँ से निकाल के जो पेयर है मेरा उसको मैं ऊपर रखूँगा, ठीक है, उसको ऊपर रखूँगा, क्योंकि वो अकेला जो है वो ज़्यादा परफॉर्म करेगा, बनिस्बत इसके कि इसको बड़ी कलोनी में रख के इस पर एक्सपेरिमेंट इस दफ़ा किया जाए। लेकिन वो नुकसान हो जाएगा तो वो मैं नहीं चाहता। कोई छोटा मोटा केज ले लें, केज का मिनिमम साइज़ जो है वो 3x3x2 है, ठीक है। मैक्सिमम आप जितना मर्ज़ी बना सकते हैं, लेकिन फिर अगर मिनिमम के बाद मैं आपको बताऊं तो आप 4x4x3 का कर सकते हैं, वो भी ज़बरदस्त है रिंग नेक और रॉ के लिए। जगह कोई ऐसी ढूंढ लें जहाँ पे किसी का ज़्यादा आना जाना ना रहता हो, वहाँ पे आप इनको रखें, इन पे नज़र भी करें आप कि क्या, हाँ इनका सीन क्या चल रहा है। अगर तो सब कुछ ठीक है तो ज़बरदस्त है, फिर आप इनको तरह तरह की चीज़ें डालें, ठीक है। लोबिया मिलता है, लोबिया, अब लोबिया भी ला के इसको पानी में भिगो के रख के फिर इनको दें। स्प्राउट्स वगैरह अगर नहीं बनाने आते तो वो भी वीडियो देख लेना, वो भी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, अगर पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो की मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे पास अभी रह गया है टाइम कम, ठीक है। तो इसमें अगर आप चाहते हैं ना कि आपके पास नेक्स्ट सीजन ब्रीड आए अच्छी, अभी से अपने परिंदों पर आप नज़र रखना शुरू कर दें और उनको ट्रीट अच्छा करना शुरू कर दें, जिसमें आप फ्रूट वगैरह उसके बदलते रहें और न्यू न्यू चीज़ें जो है ना आप उसको ट्रीट करो, ताकि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें। और फिर उसके बाद मैं फिर आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा जो आप देंगे, तो इंशाल्लाह आपके पास जो है ना वो ब्रीड आपका पेयर कर देगा। तो आज की वीडियो मैंने इस बारे में बतानी थी कि हाँ सीज़न आने वाला है, 2 माह रह गए हैं, अगर पेयरिंग नहीं की तो पेयरिंग भी सेट कर लें। फ्रूट वगैरह पहले नहीं थे डालते तो अभी से शुरू कर दो, उनको दाना दो, उनको बाकी जो स्प्राउट्स वगैरह या बाकी जो डाइट है आप वो भी उनको दो, ताकि वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें और आपके पास अच्छा परफॉर्म कर सकें इंशाल्लाह। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़। और मेरे लिए दिल से दुआ करिएगा पेपर्स के लिए, अल्लाह हाफिज़।